हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज के वीडियो में जानने वाले हैं पुरुषों की एक कंप्लेन एक्सेसिव मस्टर्बेशन या एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर के वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने के वजह से या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों में इन्वॉल्व रहने के वजह से उनको जो प्रॉब्लम होते हैं वो जानने वाले हैं डिटेल्स में। और टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जानने वाले हैं जो उनके डिस्पोजिशन में ही है, यानी कि उनके जो आदतों में ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो बहुत सारे के कंप्लेन आते हैं कि मास्टरबेशन करने की वजह से, एक्सेस सेक्सुअल इंडल्ज होने के वजह से उनके सेक्सुअल ऑर्गेन छोटा हो गए हैं, साइज छोटा हो गए हैं, पेशेंट का लैंग्वेज रहता है, और साथ ही साथ कहते हैं कि उनको जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आगे आइए जानते हैं क्या होता है एक्सेसिव मास्टरबेशन करने का। डिटेल्स में मेरे चैनल पर जाएंगे तो वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इस वीडियोस में हम लोग टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन जानने वाले हैं जिसमें कि एक्सेस सेक्सुअल सोच की वजह से और एक्सेस सेक्सुअल इंटेलिजेंस के वजह से, मास्टरबेशन के वजह से उनके जो हैबिट में जो रहता है, उनके टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन। तो देखिए, सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन, उनमें से जानेंगे स्टेफी सिजेरिया के बारे में। ये बहुत ही टॉप ऑफ द रेमेडी है। जहाँ पे भी पर्सन एक्सेसिव मास्टरबेशन करता है, साथ ही साथ हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करता है, उसके साथ साथ पेशेंट को सेक्सुअल एक्सेस बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसके वजह से उसके पर्सन को जो है मेंटल और शारीरिक दोनों पे प्रॉब्लम होने लगती है। स्टेफी सिजेरिया का पर्सन ऐसा है जिसमें कि उसको अब गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा एंगर आता है इन सब चीज़ों के वजह से, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा छोटी बातों पर वो गुस्सा कर लेता है, और उनकी आदतें हो जाते हैं शराब पीना, अल्कोहल पीना और स्मोकिंग करना। इन सब के वजह से उनको जो है इनडिफरेंट हो जाता है, सब लोगों से अलग होने लगता है, दूसरे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। अगर कोई काम भी हो बढ़िया तो उसको भी वो बुरा मानता है, चाहे वो लोग काम करे अच्छा या फिर खुद भी अच्छा काम करे, उसको वो गुस्सा हो जाता है। साथ ही साथ वीक मेमोरी रहता है, उसका मेमोरी भी कमज़ोर होने लगता है, स्टेफी सिजेरिया की पर्सन की बात करें तो। और साथ में उसको बहुत ही ज़्यादा एंगर रहता है, छोटी सी बात पे इतना एंगर होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब इन सब के वजह से, मास्टरबेशन हस्तमैथुन के करने के वजह से, सेक्सुअल इंटेलिजेंस के वजह से, उसके लॉस्ट वाइटल फ्लूइड हैं, जो उसके वाइटल फ्लूइड्स होते हैं बॉडी का, उसके वाइटल फ्लूइड जो है लॉस हो गए हैं। इसके साथ साथ उसका कोई इंसल्ट कर दे तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इनमें इस मेडिसिन में जो है इंसल्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा उसको एंगर होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा छुप के रहता है और अपने आप को हिडन रखता है, सेक्रेट रखता है। और साथ ही साथ उसमें क्रेविंग फॉर टोबैको है, उसमें लगता है कि खैनी, उसका बहुत ज़्यादा डिज़ायर रहता है खैनी खाने का। साथ ही साथ उसमें परसिस्टेंट ओनानिज्म रहता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ें सोचता है, और साथ ही साथ उसमें जो है थॉट भी वैसा ही रहता है। अब अगला इसमें जो कंप्लेन होता है, स्पर्मेटोरिया की कंप्लेन होता है, मतलब कभी भी उसको इमिशन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, और साथ ही साथ वो पर्सन वैसा दिखता है, लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्ट किया है, बहुत ज़्यादा सिन किया है, बहुत ज़्यादा पाप किया है, उसका लुक ही ऐसा रहता है। और उसमें जो है बैकेक की कंप्लेन आती है, उसके कमर में दर्द होता है, वीकनेस होते हैं, और प्रोस्टेशन होते हैं, और उसके जो प्राइवेट ऑर्गेन है वो भी साइज़ का जो एट्रोफी हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। तो फाइनली ये बात आ गई, इन टाइप के पेशेंट में कंप्लेन ही आता है कि उनके प्राइवेट ऑर्गेन छोटे हो गए हैं, डैट मीन्स कि उनके साइज डिक्रीज हो गए हैं, सेक्सुअल ऑर्गेन जो होते हैं। तो ये स्टेफी सिजेरिया में कुछ बातें हैं। इनके स्टेफी सिजेरिया सिर्फ सेक्सुअल और मेंटल वीकनेस के लिए नहीं है, सिर्फ मास्टरबेशन करने वाले पर्सन के लिए नहीं है, बट इसमें और भी कंप्लेन आते हैं, जैसे आँखों में स्टाई हो गए, इन टाइप के कंप्लेन में भी बहुत अच्छा काम करती है, पेट की प्रॉब्लम में भी काम करती है, लेकिन इसका सेक्सुअल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये मेडिसिन बहुत ही वर्क करती है बढ़िया, जब पर्सन का जो है हैबिट में ही मास्टरबेशन है और सेक्सुअल एक्सेस है, उनके वजह से उनके दिमागी हालत में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, गुस्सा हो जाता है, साथ ही साथ उसके स्पर्मेटोरिया इमिशन की कंप्लेन होते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर होता है इसमें। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगी। इसको आप 200 पोटेंसी में आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं, लेकिन 30 पोटेंसी स्टार्ट करेंगे तो रिजल्ट्स और बेनिफिट मिलेंगे। सो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, कैंथरिस। कैंथरिस भी बहुत ही इफेक्टिव वर्क करता है, जहाँ पर एक टू मच, यानी कि उसमें इतना कैंथरिस को आपको डाइल्यूशन के फॉर्म में लेने हैं, 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे। एक्यूट मानिया है, मतलब कि अचानक से उसको पागलपन हो जाता है, और फेरी सेक्सुअल डिज़ायर है, मीन्स उसका बता ही नहीं सकते कि इतना ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर,
पेनफुल इरेक्शन होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि उसके प्राइवेट ऑर्गेन में इरेक्शन होने की वजह से उसमें पेन होते हैं, और पेन भी होते हैं तो ग्लैंड्स में, पेनिस में होते हैं। तो इस टाइप के कंप्लेन हो रहे हैं, तो कैंथरीस बहुत ही अच्छे वर्क करती है। तो ये सेकेंड रेमेडी थी, सेकेंड मेडिसिन थी टॉप थ्री में। और अगले मेडिसिन की बात करें तो बुफोराना। अब इस पर्सन का जो होता है कंप्लेन बहुत ज़्यादा रहता है पर्सन को, जब उसको लगता है कि उसका आदत ही बन गया है उसके प्राइवेट ऑर्गेन को पकड़ने के लिए, साथ ही साथ उसमें मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रहते हैं और इम्पोटेंसी हो जाता है पर्सन को, इन सब चीज़ों की वजह से उसको मतलब इम्पोटेंस हो जाता है, और ये ड्रिंक करता है, अल्कोहलिक हो जाता है। फिर थोड़ी सी भी उसको लोवेस्ट पेशेंट अरोज, यानी कि थोड़ी सी भी उसको सेक्सुअल चीज़ें की वजह से उसको जो है एक्साइटमेंट हो जाता है, इम्पोटेंसी हो जाता है, अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड होता है, परेशान रहता है, अकेले रहना चाहता है, और साथ ही साथ दिमाग भी उसका कमज़ोर हो जाता है, इनवॉलेंट्री इमिशन होता है, बहुत ज़्यादा अचानक ही बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाते हैं, और साथ ही साथ इस पर्सन को एक्सेसिव हैंडल करने का मन करता है अपने ऑर्गेन को, सेक्सुअल ऑर्गेन को, यानी कि मास्टरबेशन करने को। तो ये सब दवाइयाँ, इन बुफोराना को आप 6th potency से स्टार्ट करेंगे, 30th potency तक बहुत ही हेल्पफुल रहता है, या हायर डोजेस जा सकते हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये तीन टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके हैबिट में ही मास्टरबेशन और सेक्सुअल एक्सेस रहता है। स्टेफी सिजेरिया के बारे में डिटेल्स में मेरे चैनल पर जाएंगे तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ इसमें बुफोराना और कैंथरीस के बारे में भी मैं बताई हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। कोई भी मेडिकेशन जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।